दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, अब शराब की बोतलें लेकर मेट्रो में कर सकते हैं सफर। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे कल शाम 4 बजे बीएमसी के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुंबई नगर निगम में कामकाज में पाई गई अनियमितता के खिलाफ किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू की 3 इमारतों का किया शिलान्यास। इमारतें प्रौद्योगिकी संकाय, एक कंप्यूटर केंद्र और एक अकेडमिक ब्लॉक के लिए। मणिपुर सीएम वीरेंद्र सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। कई दिनों से हिंसा नहीं रुकने के कारण विपक्ष की सभी पार्टियां बना रही है दबाव। मणिपुर को जोड़ने के लिए, अमन के लिए मैं हर मदद करने को तैयार हूं, राहुल गांधी का बड़ा ट्वीट। अतीक अहमद की कब्जा जमीन पर योगी सरकार ने बनाया घर, 76 गरीबों को किया आवंटित। आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम की फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद। यूपी की जेलों में बंद 15 कैदियों की जल्द रिहाई की मांग, एससी ने योगी सरकार से मांगा जवाब। पीएम नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को गोरखपुर दौरा, गीता प्रेस जाएंगे, शिव पुराण का विमोचन करेंगे। बाइडेन सरकार ताइवान को $330 मिलियन के देगी हथियार, अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी मंजूरी।